अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पर होटल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्टार्ट हो रहे हैं और डेट शीट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आपके जो एग्ज़ाम से स्टूडेंट 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के बच्चों का पेपर हो जाएगा, उसके फ़ौरन बाद किसका स्टार्ट होगा? कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे, आर्ट्स के ग्रुप के पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, ये स्टूडेंट्स कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के स्टूडेंट्स का पेपर है जो कि शेड्यूल है HSC पार्ट 2। ठीक है, मतलब कि जो 12th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है पेपर 8 जुलाई 2000। यहां पे मैं लिखते भी जाता हूं, ठीक है, 8 जुलाई को स्टूडेंट आपका जो पहला पेपर है वो आपका कौन सा पेपर है स्टूडेंट? मंडे वाले रोज अकाउंटिंग पेपर 1 फॉर फेलियर। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग में फेल हो गए थे उनका पेपर होगा 8 जुलाई को। 9 तारीख को स्टूडेंट आपका 2 से 5 के दरमियान इवनिंग शिफ्ट में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर 1 फेलियर। जो बच्चे पेपर 1 मतलब फर्स्ट ईयर में POE के पेपर में फेल हो गए थे उनका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 10 तारीख को आपका उर्दू नॉर्मल, उर्दू इजी, उर्दू NMT और हिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, ये तमाम का पेपर स्टूडेंट जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो चुके थे उनका ये पेपर होगा 10 तारीख को। बेसिकली अगर देखा जाए कि सेकेंड ईयर का मैं बता रहा हूँ, लेकिन सेकेंड ईयर में शुरू के 8, 9, 10 तारीख को, ये तमाम 10 तारीख तक जो पेपर ये फेलियर के ही पेपर्स हैं, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, पेपर 1 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर, पेपर 2 का मतलब होता है सेकेंड ईयर, ठीक है बेटा। 11 तारीख को सेकेंड ईयर का अपना खुद का पेपर होगा कम्युनिकल ज्योग्राफी का, जो कि आपका 11 जुलाई को होगा। 11 के बाद स्टूडेंट आपके 12 जुलाई को 3 से 5 की टाइमिंग में बिजनेस मैथमेटिक्स पेपर 1 मतलब फर्स्ट ईयर में जो बच्चे फेल हो गए थे बिजनेस मैथमेटिक्स में उनका पेपर होगा। फिर इसके बाद 19 तारीख को स्टूडेंट फ्राइडे को आपका इस्लामियत एजुकेशन, ठीक है, जो बच्चे फेल हो चुके थे उनका पेपर होगा, या फिर सिविक जो बच्चे फेल हो गए थे उनका होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में मुहर्रम भी आएगा तभी इतना गैप दिया गया है, ठीक है। 19 के बाद बेटा 20 तारीख को मतलब 11 के बाद डायरेक्ट 20 तारीख को अकाउंटिंग का पेपर होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स। 20 के बाद स्टूडेंट 22 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनका। फिर 23 तारीख को स्टूडेंट आपका सेकेंड ईयर का पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा, ठीक है। 23 के बाद विदाउट गैप के एक भी गैप नहीं दिया गया और आपका इंग्लिश का पेपर होगा सेकेंड ईयर का, ठीक है। फिर 24 तारीख को स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फेलियर का होगा, जबकि 30 तारीख को आपका स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पार्ट 2 बैंकिंग का होगा, ठीक है, याद रखना इसमें फ़र्क है। 24 के फौरन बाद आपका 30 तारीख को होगा, ठीक है। फिर 31 तारीख को आपका उर्दू का पेपर होगा विदाउट गैप के, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 31 तारीख के बाद 2 तारीख को स्टूडेंट आपका पेपर होगा किसका? स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्टूडेंट इस तरह से आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट, ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के बच्चे थे, ठीक है। अब HSC पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 सेकेंड फेज कॉमर्स रेगुलर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका पेपर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कॉमर्स के उनका 13 तारीख को पहला पेपर है, ठीक है। 13 तारीख को स्टूडेंट पहला पेपर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद डायरेक्ट 25 तारीख को, क्योंकि बीच में मुहर्रम आ जाएगा इस वजह से गैप दिया गया है, तो इस्लामिक एजुकेशन का पेपर होगा फ्रेश स्टूडेंट का, ठीक है। 25 के बाद 26 तारीख को विदाउट एक भी गैप के बगैर बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर होगा, ठीक है। 29 तारीख को स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। फिर 29 के बाद 1 तारीख को आपका अकाउंटिंग का पेपर होगा। 1 के बाद 3 तारीख मतलब 3 आपके पास जो अगस्त आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपका बेटा उर्दू का पेपर होगा, ठीक है, उर्दू के सारे पेपर्स होंगे, ठीक है। उर्दू के बाद बेटा 5 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा 5 अगस्त को, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज को देखते हैं स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट कॉमर्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट ईयर के स्टूडेंट कॉमर्स के जो रेगुलर हैं उनको देख लेते हैं। 8 तारीख को स्टूडेंट सेम जिस तरह से प्राइवेट का था, 8 तारीख को स्टूडेंट अकाउंटिंग फेलियर का पेपर होगा फर्स्ट ईयर के। 9 तारीख को
प्रिंसिपल इकोनॉमिक फेलियर का होगा, 10 तारीख को स्टूडेंट नॉर्मल उर्दू जो फेल थे बच्चे उनका होगा, फिर उसके बाद 11 तारीख को पेपर स्टूडेंट आपका स्टार्ट होगा जो कि न्यूमेरिकल ज्योग्राफी का होगा रेगुलर स्टूडेंट का सेकेंड ईयर का, 11 के बाद 12 तारीख को स्टूडेंट बिजनेस मैथमेटिक्स जो बच्चे फेल हो चुके थे उनका होगा, 19 तारीख को स्टूडेंट आपका पेपर होगा इस्लामियात का जो बच्चे फेल हो चुके थे उनका, फिर 20 तारीख को स्टूडेंट अकाउंटिंग का पेपर होगा ठीक है सेकेंड ईयर के बच्चों का, फिर 22 तारीख को स्टूडेंट इंग्लिश में जो फेल हो गए थे उनका होगा, फिर 23 तारीख को स्टूडेंट आपका पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा, जबकि 24 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, फिर उसके बाद 27 जुलाई को स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो बच्चे फेल हो गए थे उनका, फिर 30 तारीख को स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स बैंकिंग जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर होगा, फिर 31 तारीख को स्टूडेंट आपका उर्दू का पेपर होगा विदाउट गैप के, फिर उसके बाद 2 अगस्त को आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो ताकि आपको ये तमाम डेटशीट मिल जाए ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं जो कि डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं तो वो देख लेना, उनकी डेटशीट 8 तारीख से स्टार्ट है और 22 तारीख को ख़त्म हो रही है और इनका जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा सुबह 9 से 12, तो आप इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद आपके पास ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स ग्रुप के जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर है, आप इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है ठीक है, किसका है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का है, और आपका पेपर भी कितने बजे होगा सुबह 9 से 12 के दरमियान होगा ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका ये है आर्ट्स का, तो आप यहाँ से पिक्चर्स लेना स्टार्ट करो ताकि आगे चल के मैं इसको पढ़ ले जाऊँगा ठीक है, फिर देन यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। तो ये कुछ पेपर्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, रेगुलर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के हैं आर्ट्स के उनका ही पेपर ये है स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के जो आर्ट्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं इनका भी 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमारे पास जो रेगुलर स्टूडेंट हैं ये सेकंड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है ठीक है। तो तमाम चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ये भी हमारे पास है रेगुलर स्टूडेंट का है ठीक है, आर्ट्स ग्रुप के ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो इसकी पिक्चर ठीक है। और हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया बेटा, फर्स्ट ईयर के आर्ट्स के स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो पिक्चर्स ले लो, यही हमारे पास ये पिक्चर है फर्स्ट ईयर आर्ट्स ग्रुप के ठीक है, इनका 8 तारीख को स्टार्ट है और 30 तारीख को क्या है पेपर ख़त्म हो गया है ठीक है एज अ रेगुलर स्टूडेंट ठीक है। और ये भी हमारे पास रेगुलर ही स्टूडेंट है ठीक है, इसकी भी आप पिक्चर ले सकते हो ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तमाम इसके अब टारगेट पेपर गैस पेपर भी अपने चैनल में अपलोड करते जाऊंगा, जब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में।